ट्विटर का जातिवादी चरित्र एक बार फिर सामने आया है। ट्विटर ने वरिष्ठ पत्रकार और बहुजन विचारक दिलीप सिंह मंडल का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर के दफ्तर में बैठे ब्राह्मणवादी एक एक कर बहुजन विचारकों के अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं ताकि बहुजन समाज की आवाज़ को दबाया जा सके। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पता होगा कि ट्विटर ने मेरा जो ट्विटर हैंडल है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मैं वहाँ पर पोस्ट नहीं कर सकता हूँ, आपके पोस्ट देख नहीं सकता हूँ, आपके पोस्ट लाइक नहीं कर सकता हूँ, शेयर नहीं कर सकता हूँ, कोई मुझे फॉलो नहीं कर सकता है, मैं किसी को फॉलो नहीं कर सकता हूँ। तो एक तरह से ट्विटर से मैं इस समय आउट हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्विटर ने मेरे ट्विटर हैंडल को इस तरह से लगभग सस्पेंड कर रखा है। ट्विटर ने इसके पीछे बेहुदा तर्क दिया है। मामला ये है कि आज सुबह जब मैंने अपना ट्विटर हैंडल खोलने की कोशिश की तो मेरे पास एक मैसेज आया कि आपका ट्विटर हैंडल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है क्योंकि आपने मार्च 2019 में एक ऐसी पोस्ट लिखी है जिससे कि प्राइवेसी का उल्लंघन है। अब इस पोस्ट में क्या है, आप में ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, इस पोस्ट में तीन सेंटेंसेज हैं। पहला सेंटेंस तो ये है कि एक बहुजन एजेंडा चुनाव से पहले प्रकाशित किया गया है, ये तमाम राजनीतिक दलों को ये बहुजन एजेंडा दिया जाएगा और जिन लोगों को ये बहुजन एजेंडा लेना, छापना या बांटना है वो अनिल जय हिंद के ईमेल आईडी से इसे हासिल कर सकते हैं। ट्विटर का कहना है कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन है। मैंने ट्विटर को ये लिखा कि क्योंकि अनिल जय हिंद मुझे बिल्कुल साफ तौर पर ईमेल करके उन्होंने कहा है कि इस तरह से बहुजन एजेंडे का प्रचार किया जाए। उन्होंने अपनी बात को ट्विटर पर भी लिखा है कि जो बहुजन एजेंडा है वो लोग उसको यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं और इसके लिए ईमेल आईडी को इस्तेमाल करने की उन्होंने इजाज़त दी है और उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर डॉक्टर अनिल जय हिंद को अपने ईमेल आईडी को सार्वजनिक करने से अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है तो आखिर ट्विटर के लिए ये प्राइवेसी का मामला कैसे बन सकता है? मेरी प्राइवेसी क्या कोई और तय कर देगा? अगर मैं चाहता हूं कि जैसे मेरी बुक है उसके पीछे मेरा फोन नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, तो ये मैंने तय किया है कि वो लोगों के पास जाए, तो ऐसे ही डॉक्टर अनिल जय हिंद तय कर रहे हैं कि उनकी ईमेल आईडी लोगों के पास जाए ताकि वो अपनी बुक को, अपने बुकलेट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो ट्विटर ने अभी ये जो किया है इसको अगर एक आप अलग थलग घटना के रूप में देखें तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हाल के दिनों में आप देखेंगे तो लगातार ट्विटर ने बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स को सस्पेंड किया है और वो उसमें एक पैटर्न है। वो खास आइडियोलॉजी के लोगों को, खास तरह के लोगों को, खास सोशल ग्रुप्स को वो टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं के ट्विटर हैंडल जो हैं वो सस्पेंड किए जा रहे हैं। इसी ट्विटर पर बहुत सारे लोग सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही पेट्रियार्किकल किस्म के नफरत फैलाने वाले पोस्ट आ रहे हैं। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि उनके ट्विटर हैंडल को कभी किसी समय में सस्पेंड किया गया है। तो जैसे हंसराज मीणा ट्राइबल इश्यूज पर लिखते हैं, उनके ट्विटर हैंडल को सस्पेंड किया गया। एडवोकेट संजय हेगडे जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो प्रो पीपल लॉयर माने जाते हैं और बड़े बड़े केसेस उन्होंने लड़े हैं, उनके ट्विटर हैंडल को सस्पेंड किया गया। मेरा ट्विटर हैंडल को एक तरह से रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो एक खास तरह से ट्विटर जो है वो उन लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है जो कि प्रो पीपल बातें कर रहे हैं, प्रो डेमोक्रेटशिप की बातें कर रहे हैं और बहुत कम्युनल एजेंडे को क्वेश्चन कर रहे हैं। इस तरह के लोगों को ट्विटर एक तरह से टारगेट कर रहा है। तो ये क्योंकि अब हमारी चॉइस नहीं है कि ट्विटर या फेसबुक, ये सोशल मीडिया जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का पार्ट बन गया है, ओपिनियन मेकिंग में इसकी भूमिका है और इस पर दुनिया के सारी डेमोक्रेसीज में इसको लेकर बातचीत हो रही है कि सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट बन गया है। चूंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट बन चुका है और हम सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से, जो हम अपना इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन उसमें देते हैं, अपने फोटो डालते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपने चीज़ें लिखते हैं, इसकी वजह से वो सारा सोशल मीडिया चल रहा है। तो एक तरह से हम भी इसके स्टेक होल्डर हैं। ये नहीं हो सकता कि ट्विटर उसको या फेसबुक उसको बहुत मनमाने तरीके से चलाए। तो उनके कुछ नॉर्म्स तय होने चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं और इसकी वजहें बताई जानी चाहिए। अगर ट्विटर पर कोई गलत बात कर रहा है तो उस पर मुकदमा हो सकता है, लेकिन मनमाने तरीके से किसी पर कार्रवाई कर दी जाए तो एक डेमोक्रेटिक स्पेस के तौर पर ये ट्विटर या फेसबुक के एक तरह से अंत की भी घोषणा होगी अगर इस तरह से लगातार किया जाता है। और भारत में खास करके अगर जो
मार्जिन के लोग हैं, जो कि बहुत बड़ा है भारत का मार्जिन भी, तो देखिए आप 85% के आसपास का मार्जिन है। तो इतने बड़ी आबादी को अगर आप ट्विटर पर इस तरह से आप उनके साथ ट्रीट करेंगे तो अल्टीमेटली एक डेमोक्रेटिक स्पेस के तौर पर ट्विटर अपनी जो पहचान है उसको गंवा देगा। दिलीप मंडल का अकाउंट सस्पेंड होने के बाद ट्विटर पर हैशटैग रीस्टोर दिलीप मंडल ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर कैसे बहुजन समाज के खिलाफ बड़ी साजिश रचता है, इसे समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम का ये वीडियो जरूर देखें। कि ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, आप कुछ लिख देते हैं तो दुनिया पढ़ लेती है, और उस तरह से जो है आप लोगों में एक अपना मैसेज भेज देंगे। सो पीपल आर लुकिंग एट इट यू नो इन अ वेरी सिंपल वे कि ये ठीक है, ये एक SMS टाइप का एक सिस्टम है, और SMS टाइप के सिस्टम में आप कुछ लिख दे रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं। सो इट इज़ नॉट दैट सिंपल आई टेल यू कि जो ट्विटर है ये वर्ल्ड वाइड ओपिनियन मेकर साइट हो गई है। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।